पिछले एपिसोड में आपने देखा राहुल, शिवा, जूली और रॉनी मणि हासिल करने में कामयाब होते हैं, लेकिन वही इंस्पेक्टर शिंदे आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। जेल में चारों दोस्त अपने किस्मत को कोसते हैं। रंजीत और आनंद जेल में दाखिल होते हैं और दोस्तों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि राजा को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं। इंस्पेक्टर शिंदे सच्चाई जानने के लिए दोस्तों से पूछताछ करता है और आखिरकार राहुल उन्हें वो के खौफ में गुजरे हुए 7 दोस्तों के बचपन की कहानी बताना शुरू करता है। अब आगे वो ना सिर्फ मेरी बल्कि हम सब दोस्तों की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता था। शायद इसीलिए वो शिवा के सामने उसके पिता का रूप लेकर आता। कभी बॉल देने के बहाने संजीव से मिलता, ये तुम्हारी बॉल है? वो मैं कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे हाथ से फिसल गया और मेरे हाथ में आ गया। तो कभी रोनी के सपनों में आकर दहशत फैलाता। केकड़ा बनकर जूली को सताता। राजा के एंबिशंस का मजाक उड़ाता। फिल्म खेलते ही मैं डायरेक्टर, तू हीरो, ओके? लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। और अगर कभी हमने किसी के सामने इसका जिक्र किया तो हम हंसी मजाक के विषय बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमने एक दूसरे के साथ इसका इजहार किया, ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स वर डिफरेंट फॉर अस। और मैं सोचता था वो सिर्फ मुझे सताता है, मुझे भी यही लगता था। मगर वो है कौन और वो सिर्फ हमें सता रहा है या बाकी के स्टूडेंट्स को भी? वो कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि वो सिर्फ हमें ही सता रहा है। अरे मैंने वो के बारे में परेश को बताया था। कौन, परेश चकोटी? अरे हाँ वही यार, पता है उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर इतना हंसा कि मेरे को लगा पागल ही हो जाएगा। उस दिन के बाद जब भी मिलते हैं ना, साला मुझ पे हंस के जाता है। राहुल, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ने ही रोहित को किडनैप किया है? हाँ लगता है वो अब हमें भी किडनैप करेगा। यार रॉनी ऐसा मत बोल यार, मुझे बहुत डर लगता है। यार इसमें डरने की क्या बात है, तुम जानते हो स्कूल में जितने भी जन किडनैप हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए। अगर मार डालते तो कम से कम उनकी लाशें तो मिलती, यहाँ तो लाशों का भी कोई पता नहीं है। मैं उस दिन शर्मा जी मिले थे, इतना सख्त इंसान, लेकिन जब से उनकी बेटी टीना गुम हो गई है बिल्कुल टूट गए हैं, उनसे तो उनकी हालत देखी भी नहीं जाती। पंचखनी में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या पता ऐसा था भी या नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकना होगा। पर कौन रोकेगा, किसमें इतनी ताकत है? मैं करूंगा। तुम राहुल? हाँ। नहीं राहुल, वो बहुत खतरनाक है पर हम तो छोटे बच्चे हैं। छोटे तो क्या हुआ, हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे। एग्जैक्टली, कभी ना कभी तो बड़ा होना ही है ना हमें। नहीं नहीं राहुल, पागल जैसी बातें मत करो, ऑलरेडी अपनी रातों की नींद हराम हो गई यार। हाँ राहुल, मैं भी सोच रहा हूँ कि मम्मी को बोलकर ये शहर छोड़कर चला जाऊँ। हाँ यार, यहाँ रहेंगे तो वो सताएगा या मार भी डालेगा। और मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मेरा भाई भी नहीं चाहता था। पता नहीं रोहित जिंदा भी है क्या। राहुल यार, वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते यार। हाँ यार, हम वो के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें वो के बारे में सारी बातें मालूम करनी होंगी, जैसे वो क्या है, कैसा है, कहाँ से आया, ये सारी छोटी सी छोटी बातें हमें जाननी होंगी और ये सारी बातें हम पुलिस को बताएंगे। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद वो को ढूंढना होगा। पर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे यार? कहीं तो होगा, कहीं तो मिलेगा।
मैं जरूर अपने भाई को लूंगा। राहुल मैं तुम्हारे साथ। मैं भी राहुल। तुम अकेले नहीं हो राहुल, शिवा भी तुम्हारे साथ है। मैं भी। अगर दोस्ती का सवाल है तो राजा पूछ। मैं भी तुम्हारे साथ। मैं भी। हमने वो के खिलाफ लड़ाई करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हमें पता नहीं था कि वो क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है, कुछ नहीं पता था हमें। लेकिन हमारे इरादे बुलंद थे, हमारी जिंदगी ने एक नया रुख अपना लिया था। The unexplored areas of life have always fascinated man. हम एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे जिसकी गहराई का अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। हमारा बहुत सा वक्त लाइब्रेरी में गुजरने लगा, पुरानी किताबें, पंचगिनी का इतिहास, पुराने अखबार। हमारी इस रिसर्च को लेकर किसी को आपत्ति तो नहीं थी, हाँ कुछ लोगों को शक जरूर होने लग गया था। हमारी बहुत सी कोशिशों के बाद भी हमें वो के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन, अरे यार स्कूल मैगजीन के लिए मैं एक रोमांटिक पोएम लिखना चाहता हूँ। गाइस मेरे को याद आ गया। क्या हुआ? मेरे को अपने स्कूल के एक बहुत पुराने मैगजीन मिली है। अरे वेरी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है ना। अरे देखना, एक दिन स्कूल मैगजीन में मेरी भी फोटोग्राफ होगी और लिखा होगा The great actor Raja was here. अरे ये लाइन तो टॉयलेट में भी लिखी है, बार बार मत सुना। यशु देखे तो सही अपनी स्कूल कैसी थी? ये देख अपनी लाइब्रेरी। अरे ये तो जूनियर डॉर्मेट्री हो गया। ये तो वही कॉरिडोर है ना जहाँ मुझे बहुत भगाया था वर्षा ने ना। ये क्या है? हमारी फोटोग्राफ। 1857? How is this possible यार? सबको मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा। मुझे रोकने चले हो? मुझे रोकने चले हो? कोशिश करके देखो देखो। सबको मार डालूंगा, पहले पागल बनाऊंगा फिर सबको मार डालूंगा। रोक, मुझे नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारा बेटी हूँ, तुम मुझे रोकना चाहते हो बेटी को? तुम्हारा तो डायरेक्टर हूँ मैं और तुम अपने डायरेक्टर को रोकना चाहते हो? संजीव
कल के इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर तुम्हारा तो कोच हूँ मैं है? और अपने कोच को रोकना चाहते हो? नहीं नहीं रोक सकते। तुम जानते हो संजीव, कल जिस तरीके से तुम डर गए थे, जिस तरीके से तुम चिल्ला रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि वो हमसे यही रिएक्शन चाहता है, वो हमें डराना चाहता है। शायद वो खुद हमसे डरता हूँ। मतलब वो हमें डराता है क्योंकि वो खुद हमसे डरता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो हमसे डरेगा क्यों? शायद हमारी यूनिटी, हमारी दोस्ती। हाँ, इतना सब देखने के बावजूद हम में से कोई भी नहीं भागा, हम लोग अब भी एक साथ हैं। यस, वो हमारी एकता को तोड़ नहीं सका। ये हमारी जीत थी राहुल, यही हमारी जीत थी। अगर हम थोड़ी सी और हिम्मत जताते हैं ना, तो हम जरूर उसको पकड़ेंगे। अरे नहीं यार, हम लोग तो खाली फुकट झंझट में पड़ रहे हैं। अगर मेरे घर पे पता चल गया ना, तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। पर घर पे बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हमारा मिशन है, घर वालों का क्या लेना देना। एग्जैक्टली। और सोचो, अगर हम वो को पकड़ते हैं, तो हम अपने स्कूल के कितने सारे बच्चों को बचाएंगे यार। हाँ यार, स्कूल में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, और शायद एग्जाम्स के बिना ही वो हमें पास भी कर दे। राजा, ओके गाइस, वो को पकड़ने के लिए हमें एक प्लान तैयार करना होगा, और ये प्लान गुप्त रहेगा, और जिस किसी को भी पीछे हटना हो वो अभी हट जाए। अरे नहीं यार, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं। संजीव। मैं भी। पक्का? हाँ। ओके, हमारा सबसे पहला कदम होगा वो का पता ढूंढना। क्या हुआ? ओंकारनाथ सर, हमारे स्कूल के हिस्ट्री टीचर, छुपकर हमारी बातें सुनते हुए एक दिन पकड़े गए। सारा स्कूल उन्हें केवमैन कहता था, क्योंकि वो इतिहास में इस कदर खो गए थे कि उन्हें वर्तमान का जरा भी होश नहीं था। हमेशा किसी ना किसी रिसर्च में लगे रहते थे, ना किसी से बात करते थे, ना किसी की ओर देखते थे। उनका हमारी बातें सुनना काफी उलझाने वाली बात थी। लेकिन दूसरे दिन वो हमसे मिलने आए। नहीं नहीं, बैठो बैठो। क्या मैं तुम लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूं? हाँ, अरे आप बैठे ना सर। थैंक यू। मैंने छुपकर तुम लोगों की बातें सुनी, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। पर जब से मैंने आपको स्कूल मैगजीन देखते हुए देखा, तब से मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ। आपको स्कूल मैगजीन के बारे में कैसे पता? देखो, वो मैगजीन आज तक बहुत लोगों ने देखी है, पर जो तुम लोगों को उसमें दिखाई देता है वो किसी और को दिखाई नहीं देता, सिवाय मेरे। सर, आपको भी? हाँ, मुझे भी वही अनुभव हुआ, डरावना, अजीब, वेरी स्कैरी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने भी तुम्हारी तरह मैगजीन को बंद करके किस्सा खत्म करना चाहा, पर किस्सा खत्म नहीं हुआ। सर, क्या आप वो के बारे में कुछ जानते हैं? वो, अच्छा नाम दिया है तुमने, वो।
देखो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर जितनी रिसर्च मैंने की है उसके बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो इंसान नहीं है। उसको पकड़ पाना तो दूर की बात है, उसके बारे में मालूम करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी और हमारी दुनिया एकदम अलग अलग है। देखो वो इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए आया है, और मुझे लगता है कि उस मकसद का ताल्लुक बच्चों से है। लगता है इसलिए वो बच्चों को अगवा करता है, और मुझे लगता है कि बच्चे ही उसके विनाश का कारण बन सकते हैं। सर यू मीन हम? पता नहीं, देखो मैंने वो को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अब जब मैंने देखा कि तुम लोग इस विषय में इतनी रुचि रखते हो तो मुझे लगा कि जो काम मेरे हाथों से नहीं हो पाया शायद तुम लोग कर जाओ। सर लेकिन हम तो वो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? आशु, आशुतोष। आशुतोष देखो तुम्हारा मकसद वो को पकड़ना नहीं बल्कि उसको खत्म करना होना चाहिए, क्योंकि वो को रोकने का और कोई इलाज नहीं है, और वो को खत्म करने के लिए मददगार साबित होगी सिर्फ एक चीज जिसे तुम सबको ढूंढना है। कैसी चीज? देखो मेरी रिसर्च के मुताबिक सैकड़ों साल पहले इस इलाके में एक रूहानी ताकत ने आतंक फैलाया था जिसे एक मामूली लोहार ने अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर अपने काबू में कर लिया था। उसने अपना सारा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया था। धीरे धीरे उसके शरीर के आसपास चींटियों ने अपना बसेरा बनाया, मिट्टी का ढेर जम गया, पर वो लोहार अपने ध्यान में हमेशा मग्न रहता था। एक जीती जागती समाधि बन गया था। फिर एक दिन बारिश हुई जोरों की, लाखों करोड़ों बिजलियों की कड़कड़ाहट ने जैसे उस शहर को चमका दिया। मिट्टी का ढेर टूट गया, जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। फिर बारिश थम गई। जब लोगों ने ढूंढा तो लोहार का शरीर कहीं नहीं मिला। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद लोहार को मोक्ष मिल गया, कुछ लोग कहते हैं कि वो दिव्य शक्ति जो लोहार ने हासिल की थी आज भी उस जमीन के अंदर मौजूद है किसी रूप में, पर किसी को पता नहीं। मैंने वो शक्ति ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे मिली नहीं। यह है उस इलाके का नक्शा। यहां पर वो मंदिर था और शायद यहां पर उस लोहार की समाधि। उसके नीचे या तो कोई सुरंग होगी या बड़ा गड्ढा या कोई गहरा कुआं। अगर वो दिव्य शक्ति तुम लोगों को मिल जाती है तो तुम हम वो का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ मैं भी इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ूंगा। वो इंसानी कौम का दुश्मन है। अब जब तुम लोग इतनी कम उम्र में उससे लड़ने की हिम्मत रख सकते हो तो मैं क्यों? सर क्या आपको विश्वास है हम ये काम कर पाएंगे? हाँ मुझे पूरा विश्वास है। ये रहा वो नक्शा।